दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जिनके भी एग्जाम अभी नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बाकी के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। जीके सभी कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से कौन विख्यात हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास बहुत ही फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं तो इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तो ये त्रिवेंद्रम ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा कथकली। और कुछ बड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है, वो इम्पोर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है गुजरात, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में जस्ता और संगमरमर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जस्ता और संगमरमर दोनों पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। राज्यसभा है एक, तो कैसा निकाय है तो इसके बारे में बता दें, तो जो राज्यसभा होता है ये स्थायी निकाय होता है और यह उच्च सदन होता है। राज्यसभा अस्थायी निकाय होता है और उच्च सदन होता है, याद कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी निम्न में से किस शहर के किनारे बसा है, किस शहर के किनारे है साबरमती नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन सेकेंड अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय तो ये है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के जनक कौन है, रूसी क्रांति के जनक तो वी आई लेनिन इसका राइट आंसर है, लेनिन रूसी क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव तो नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर पहले उतरने वाले मानव थे। अगला क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किससे संबंधित है, जातक तो जातक जो ग्रंथ है ये बौद्धों से संबंधित है, बौद्धों का ग्रंथ है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं घूर्णन। और पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होता है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ये किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर, जब राष्ट्रपति अपने को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपना जो त्यागपत्र है ये उपराष्ट्रपति को देता है, 6 महीने के अंदर उसके पद को अवश्य भर लेना चाहिए, तो वहाँ पर कौन काम करेगा, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति ही काम करेगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि खासी और गारो ये जनजातियाँ हैं, गारो खासी और जनजातियाँ ये पहाड़ियाँ भी हैं, तो ये कहाँ पर हैं, तो ये मेघालय में है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड दादा भाई नवरोजी, दादा भाई नवरोजी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकशाही सरकार की परिकल्पना देने का यश किसको मिला है, लोकशाही सरकार की परिकल्पना इसका राइट आंसर क्या है, ग्रीक, ऑप्शन फर्स्ट ग्रीक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम दाखिल किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान है इसका राइट आंसर। अगर इसके जनक की बात करें तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके जनक की बात करें, पंचायती राज जब आया था तो इसके जनक कौन थे, तो लॉर्ड रिपन, और ये आया कब था, तो 2 अक्टूबर को आया था, 2 अक्टूबर 1959 को आया था, 2 अक्टूबर 1959 को आया हुआ था। और बात करें
कि जो पंचायती राज ये किससे संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य के प्रमुख सचिव डैश है यहाँ पर, के प्रमुख होते हैं, किसके प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख सचिव किसके प्रमुख होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सार्वजनिक सेवा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने, कहाँ की है, तो वेलूर मठ में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।